नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। बिजनौर के इतिहास में ये पहली बार होगा कि देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ रैली कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिजनौर के वर्धमान कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी जनता को संबोधित करेंगे। तो बिजनौर में पहली बार प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। काफी अहम सीट भी मानी जा रही है चुनाव के मद्देनजर, और यहां पे आज एक साथ दोनों का संबोधन काफी अहम भी माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, और आज बिजनौर में पहली चुनावी रैली करेंगे पीएम। पश्चिम यूपी में डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है भाजपा, और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही आज जनसभा को संबोधित करेंगे। बिजनौर के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ जनता को संबोधित करेंगे। जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर के वर्धमान कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। हजार लोगों के भीड़ जुटने की आशंका है, और कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सभी तैयारियां की गई हैं, और साथ ही चुनाव प्रचार अब अपने चरम पर पहुंच रहा है, जहां अलग अलग पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी रैली कर रहे हैं। तो वहीं पश्चिम में यूपी में जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको कंट्रोल करने की तैयारी में बीजेपी लगी हुई है। बड़े बड़े दिग्गजों को पश्चिम में उतारा गया है, और बिजनौर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों एक साथ जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। विपक्ष पर निशाना साधेंगे, और जितनी विकास के काम करे, जितनी उपलब्धियां 5 सालों में हासिल करी है यूपी ने, उन सभी का वर्णन करते हुए नजर आएंगे जनता के बीच। तो ये बिजनौर से एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक साथ कभी बिजनौर गए हों। चुनावी समय है, और ऐसे में अब चुनाव में समय बहुत कम बचा है, और जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, बड़े बड़े दिग्गज जा रहे हैं जनता के बीच, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है, और ऐसे में ये काफी अहम मानी जा रही है जनसभा की। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता तुषार वर्मा जुड़ चुके हैं बिजनौर से। तुषार, क्या कुछ जानकारी है? आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित करेंगे, तो जो कार्यक्रम निर्धारित किया गया है वो कितने बजे से शुरू होगा? ये पहली बार है कि पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ बिजनौर पे पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर तमाम सुरक्षा व्यवस्था की गई है, तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पर पहले 1000 लोगों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग की गाइडलाइन आई है, जिसके बाद 15 से 20 हजार लोगों की यहाँ पर जुटने की संभावना जताई जा रही है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 8 विधानसभाएं हैं, और 8 विधानसभाएं जो पिछले विधानसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में यहाँ पर पहुंचकर जनता को संबोधित किया था, जिसके बाद 8 में से 6 विधानसभाओं पर भाजपा ने अपना परचम लहराया था। आज इसी को लेकर चुनावी जनसभा को सीएम योगी और पीएम मोदी संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी तमाम व्यवस्था पूरी कर ली गई है। तो तुषार, अगर बात करें विकास की, तो कितना विकास देखने को मिला है 5 सालों में? देखिए, 5 सालों में विकास की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी जनता से बात हुई है, और जो जमीनी हकीकत है, वो बिल्कुल विकास कार्य यहाँ पर पूरा किया गया है 5 सालों में। चाहे वो सड़क का विकास कार्य हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, या ऑक्सीजन प्लांट हो, सब चीज का विकास यहाँ पर बिजनौर विधानसभा में किया गया है। जी, तो आज जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों आएंगे जनता के बीच, तो 5 सालों का अपना रिपोर्ट कार्ड ही जनता के बीच में पेश करेंगे, साथ ही विपक्ष पे निशाना भी साधते हुए नजर आ सकते हैं, तो कौन कौन से मुद्दे उठा सकते हैं? जी देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो भाजपा सरकार समाजवादी पार्टी के लिए निशाना साध सकती है, और जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो कार्य हुआ था,
समाजवादी पार्टी सरकार में वो पूरा नहीं हो पाया था, जिसके बाद भाजपा सरकार ने वो उन सभी कार्यों को पूरा किया है। इसी को लेकर वो जनता को संबोधित करेंगे और मुद्दों की बात करेंगे। तुषार, अगर बात करें विधानसभाओं की, तो जो इस बार प्रत्याशी उतारे गए हैं, कौन सी सीट से किस प्रत्याशी को उतारा गया है, और दूसरी चीज ये कि जो पिछली बार प्रत्याशी उतारे गए थे तो क्या उनको टिकट मिला है या कितनों का टिकट काटा गया है, पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं, बिजनौर में 8 विधानसभाएं हैं जहां पर ज्यादा से ज्यादा उन्हीं प्रत्याशी को दोबारा से टिकट मिला है जो पिछली बार भी भाजपा सरकार में विधायक बने थे। जी, तो क्या कोई नए चेहरे को मौका दिया गया है बीजेपी द्वारा? जी बिल्कुल, एक नूरपुर विधानसभा की बात करें तो नूरपुर विधानसभा पहले विधायक थे लोकेंद्र चौहान का स्वर्गवास हो गया था, एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद उनकी वाइफ को टिकट दिया गया था लेकिन वो चुनाव में नहीं जीत पाई थी। उसके बाद अब लोकेंद्र चौहान के भैया जो है सीपी सिंह, उनको यहाँ पर टिकट दिया गया है और सभी पुराने प्रत्याशी हैं जिनको टिकट दिया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता तुषार वर्मा जुड़े थे बिजनौर से। तो आज कार्यक्रम जो देखने को मिलेगा सीएम और पीएम का, ये काफी खास होने वाला है और चुनावी समय है, और ऐसे में जनता को संबोधित तो करेंगे, साथ ही वोट की अपील भी करेंगे प्रत्याशियों के लिए। सारी विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं वो उनके काम को देखते हुए उतारे हैं। जो पिछली बार चुनाव प्रचार करने पीएम आए थे तो उसका अच्छा खासा प्रदर्शन देखने को मिला था, ज्यादातर सीटें बीजेपी के पाले में गई थी, और इस बार भी बीजेपी को विजय बनाने के लिए, प्रत्याशियों के लिए वोट की मांग करने के लिए प्रधानमंत्री आज बिजनौर आने वाले हैं और साथ ही उनके योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो पश्चिम में ही इस वक्त सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करती हुई नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि पश्चिम में सबसे ज्यादा वोट किसानों के भी बताए जा रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो किसानों का प्रदर्शन हुआ था उससे पश्चिम पे काफी असर पड़ा है, और साथ ही साथ ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो विकास होता आया है वो पूर्वांचल की तरफ ज्यादा होता आया है, पश्चिम की तरफ कम ही ध्यान रहा है, और इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और चुनावी गणित बैठाते हुए पूर्वांचल पे तो जिस तरह से विकास की गंगा बहाई गई है, पश्चिम पे ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिम में देखा जाए तो सभी बड़े दिग्गजों को उतारा गया है, वो चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर स्मृति ईरानी हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज बिजनौर आ रहे हैं, और ऐसे में जब बड़े चेहरे आते हैं तो जनता के बीच एक अलग ही माहौल बन जाता है कि हमारे बीच जब जन प्रतिनिधि बड़े बड़े नेता आ सकते हैं तो हमारी दिक्कतों को देखेंगे, समझेंगे और विकास का काम करेंगे, जो ये मुद्दे उनको सुनेंगे और समझेंगे। और ऐसा भी देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आते हैं तो वहां जिस रास्ते से गुजरते हैं वो सड़कें बन जाती हैं, वहां पे साफ सफाई की व्यवस्था हो जाती है और उसको बेहतर कर दिया जाता है। तो ये भी एक वजह है कि जनता चाहती है कि कोई बड़ा नेता, जनप्रतिनिधि उनके बीच आए, ताकि उनकी छोटी छोटी मूलभूत समस्याएं हैं उनका जो समस्याएं समाधान हो सके। इन सब चीजों को देखते हुए भी जनता ये आस लगाती है कि चुनावी माहौल है, कुछ बदलाव होगा, साथ ही जब बड़े चेहरे बीच में जाते हैं जनता के तो विश्वास उठता है, जनता के मन में एक विश्वास आता है कि जब जनप्रतिनिधि हमारे बीच आए हैं तो वो हमारी बातें सुनेंगे, हमारे सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे, और जब प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करते हैं तो काफी प्रभाव भी पड़ता है ऐसे बड़े चेहरों का। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाएंगे तो लोगों का समर्थन मिलना तय ही माना जा रहा है, क्योंकि हर चुनाव में यह देखा गया है बीजेपी अपने बड़े से बड़े स्टार प्रचारक को उतारती है जमीनी स्तर पर, और इस बार भी यही देखा गया है कि सभी जिले बांट दिए गए हैं, विधानसभाओं में जाके चुनाव प्रचार किया जा रहा है बड़े दिग्गजों द्वारा, और आज तो सीएम योगी के मैराथन जनसभाएं हैं, एक साथ चार जगह पे जनसभा करते हुए नजर आएंगे, चुनावी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि चुनाव में अब बहुत कम वक्त बचा है और तेजी से चुनाव प्रचार पूरा करना है। यूपी विधानसभा चुनाव में आज ममता बनर्जी भी खेला करने पहुंच रही हैं। ममता आज लखनऊ आ रही हैं, वो यहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ बैठक करेंगी, और कल यानी 8 फरवरी को अखिलेश के समर्थन में वर्चुअल रैली भी करेंगी। गौरतलब है कि अखिलेश भले ही बंगाल चुनाव में दीदी के लिए प्रचार करने नहीं पहुंचे थे लेकिन ममता बनर्जी को उन्होंने खुला समर्थन दिया। बता दें कि खुद अखिलेश यादव भी चाहते थे कि दीदी यूपी में उनकी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करें। अब तक
एसपी को क्षेत्रीय दलों के साथ साथ एनसीपी आरजेडी समर्थन दे चुके हैं और अब टीएमसी का साथ मिलने की भी उम्मीद है। तो गठबंधन की ओर हमेशा ही रुख करते आए हैं सपा अध्यक्ष। इससे पहले बसपा के साथ भी उनका गठबंधन हुआ था और भी कई लोगों का समर्थन मिला था, लेकिन तब उस वक्त अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए थे अखिलेश। इस बार फिर प्रदर्शन उनका देखने लायक होगा क्योंकि कई पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन किया है और समर्थन मिल रहा है, और अब इस बार टीएमसी का समर्थन मिलना, जिसकी पश्चिम बंगाल में काफी पकड़ है और वहां पे प्रधानमंत्री के चुनावी प्रचार के बाद भी ममता बनर्जी जीती, और इसी चीज को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में जब वो चुनावी प्रचार करेंगी तो देखने वाला माहौल होगा। इस खबर पे मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में आ रही हैं, वो भी सपा के लिए चुनावी प्रचार करने, क्या कुछ देखने को मिल सकता है? अगर बात करें तो जब बंगाल के चुनाव थे तब समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता और उसके प्रवक्ता अनुराग भदौरिया बंगाल में टीएमसी के प्रचार के लिए गए थे। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश के लखनऊ के दो दिन के दौरे पे है। इस दौरान वो कल आज आएंगी और आज की रात में विश्राम भी लखनऊ के अंदर में करेगी, और साथ ही साथ कल अखिलेश और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया जाएगा। वही आपको बता दें कि 15 करोड़ वोटर के इतने बड़े जनसंख्या वाले प्रदेश को भरसक अखिलेश यादव हर एक जो भरसक प्रयास है वो कर रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी आई हुई है। आपको बताना चाहेंगे जब बंगाल का चुनाव था तब भी समाजवादी पार्टी ममता के समर्थन की थी, मगर उस दौरान अखिलेश यादव स्वयं बंगाल नहीं गए थे। जैसे कहा विभांशु, जिस तरह से पीएम भी प्रचार पे उतरे थे, जेपी नड्डा, अमित शाह, कई बड़े चेहरे पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार में निकले, बड़ी बड़ी रैलियां करी, उसके बाद भी ममता बनर्जी ने जीत हासिल करी, और जब वो सपा के लिए चुनावी प्रचार करने आ रही हैं, तो क्या लगता है पीएम के जो प्रचार है, जो लोगों पे छवि डालते हैं, तो क्या उस पर कुछ फर्क पड़ेगा? पीएमसी अपनी गवर्नमेंट फिर से बना ली। वहीं अगर बात करें तो वहां पूरी बंगाल में पूरा भरसक भाजपा का प्रयास था टीएमसी के नेताओं को तोड़कर, और भरसक उसमें भाजपा काबिल भी हुई थी कुछ दहाई की संख्या से, और वो लगभग 80 सीटों जीतने में कायम हुई थी। वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ से ऊपर मतदाता है, उसमें खासतौर पे बंगाल के भी लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उनकी भी तादाद लाखों में है, और बंगाल के टीएमसी के जो समर्थक है ममता बनर्जी को, जो समर्थक है जो ममता बनर्जी की नीतियों को पसंद करते हैं, ऐसे वोटरों को समाजवादी पार्टी अपने तरफ खींचने के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित की है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। अगर बात करें तो अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने टीएमसी को समर्थन दिया है, उसी के बदले में आज टीएमसी की सुप्रीमो ममता बनर्जी अखिलेश यादव का समर्थन देते हुए दिख रही है। हम देखते हैं कि आमतौर से अगर कोई बयानबाजी होती थी बंगाल चुनाव में तो अखिलेश खुलकर उनका बचाव करते हुए देखते थे। जय शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। यूपी में चुनावी काउंटडाउन शुरू हो गया है और सभी नेता जनता को लुभाने की जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शाजापुर जाएंगे, जहां वो सबसे पहले मीरानपुर कटरा में रामलीला मैदान के पास जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि प्रशासन के पास उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम भी मौजूद है, जिसको देखते हुए एसपी देहात संजीव कुमार वाजपेयी ने सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर ली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब जनसभा को संबोधित करेंगे, जिले में आएंगे, तो वहां पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिलेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम प्रशासन के पास पहले ही है, तो उनके आने से लेकर जाने तक तमाम तैयारियां कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था सख्त देखने को मिलेगी, कई रूट भी डाइवर्ट हो सकते हैं, और ऐसे में जब वो जनसभा करेंगे तो उस दौरान बीजेपी की कई उपलब्धियां भी गिनाएंगे और विपक्ष पे जमकर हमला साधते हुए नजर आएंगे। चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं शाजापुर रक्षा मंत्री,
और इसी कड़ी में वो सभी प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार भी करेंगे। राजनाथ सिंह एक अलग ही छवि है उनकी, और जिस तरह से पश्चिम में डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लगी हुई है तो राजनाथ का काफी समर्थन मिल सकता है, क्योंकि राजनाथ एक ऐसा चेहरा है जो किसान परिवार से आते हैं और किसानों को लुभाने में इनकी काफी अहम भूमिका रह सकती है। और जब राजनाथ सिंह शाहजहांपुर जा रहे हैं तो ऐसे में जनता का सैलाब उमड़ना भी लाजमी है, तो सारे इंतजाम कर लिए गए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और प्रशासन ने तमाम तैयारियों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन के पास है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और रामलीला मैदान में, जहां जो सबसे पहले रामलीला मैदान में वो जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बड़े दिग्गज जमीनी स्तर पर हैं और एक एक दिन में कई कई विधानसभाओं का दौरा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज शाहजहांपुर में मीरानपुर कटरा में रामलीला मैदान के पास रक्षा मंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे, रामलीला मैदान के पास जनसभा को संबोधित करेंगे। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और उनके कार्यक्रम के अनुसार उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया है। वोटरों को लुभाने के लिए स्टार प्रचारक जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं और सभी का जो यूपी है उसको स्टार प्रचारकों के हिसाब से बांट दिया गया है कि कौन सा स्टार प्रचारक किस जगह पे चुनावी प्रचार करेगा और जनता को कैसे लुभाकर अपने पाले में ये सारी सीटें लेकर आएगा, वोट लेकर आएगा। तो वोटों को अपनी तरफ खींचने की बीजेपी की जो ये रणनीति है स्टार प्रचारकों को उतारने की, बड़े चेहरों को उतारने के, अच्छे वक्ता होते हैं क्योंकि वो चाहे बात करें अमित शाह की, जेपी नड्डा की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, स्मृति ईरानी की, तो ये लोग अच्छे वक्ता भी है और साथ ही जनता को किस तरह से मनाना है, कौन कौन सी बातें कहनी है जिससे जनता भरोसा करे, जनता का भरोसा बीजेपी पर बने, ये सभी चीजें बखूबी जानते हैं। रुक करते अगली खबर की तरफ। प्रतापगढ़ में रामपुर खास से विधायक का कांग्रेस की प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना आज नामांकन करेंगी। इसके साथ ही कांग्रेस के सदर से डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पट्टी से सुनीता सिंह पटेल और रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद भी आज नामांकन करेंगे। वहीं इस दौरान बसपा जिलाध्यक्ष लालचंद्र गौतम ने बताया कि पार्टी के 5 प्रत्याशी पहले ही नामांकन कर चुके हैं, जबकि सदर से अशोक त्रिपाठी और रानीगंज से अजय यादव भी आज नामांकन करेंगे। आराधना मिश्रा मोना एक बड़ा चेहरा है जो कि आज नामांकन करने वाली है और चुनाव में काफी कम वक्त बचा है, प्रत्याशियों का नाम लगातार सामने आ रहा है और प्रतापगढ़ के रामपुर खास से विधायक का कांग्रेस प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना जो कि एक कांग्रेस की बड़ा चेहरा है और कांग्रेस के लिए काफी समर्थन भी जुटाती है, वो आज नामांकन करने जा रही हैं। और इसके साथ ही कांग्रेस के सदर से डॉक्टर नीरज त्रिपाठी, पट्टी से सुनीता सिंह पटेल और रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद भी आज नामांकन करेंगे। तो आज कांग्रेस के कई प्रत्याशी नामांकन करने वाले हैं, अहम दिन है और जनता को लुभाने के लिए जिस तरह से नारा दे रही है प्रियंका गांधी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, लड़कियों को साथ लेकर चल रही है, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कर रही है और कई ऐसी चीजें हैं जिसपे ध्यान देते हुए नजर आ रही है, जिसके चलते आराधना मिश्रा मोना और साथ ही साथ नीरज त्रिपाठी, सुनीता सिंह पटेल, रानीगंज से मौलाना अब्दुल वाहिद, ये चारों आज नामांकन करेंगे, जिसमें 2 महिला प्रत्याशी और 2 पुरुष प्रत्याशी हैं। तो जनता की मांग को देखते हुए, जनता के समर्थन को देखते हुए ही इन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया है। अब देखना यह होगा कि कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं ये सभी प्रत्याशी। आराधना मिश्रा मोना आज नामांकन करेंगी। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता प्रेम मिश्रा जुड़ चुके हैं प्रतापगढ़ से। प्रेम, क्या कुछ जानकारी, कितने बजे तक सभी प्रत्याशी अपना नामांकन करेंगे? में आज नामांकन का सिलसिला जो है वो लगभग 2-3 दिनों से जारी है। कहीं ना कहीं आज रामपुर खास में बात करें तो लगभग आज रामपुर खास में 1 बजे आराधना मिश्रा मोना पहुंचकर करेंगी अपने पिता वरिष्ठ नेता कांग्रेस प्रमोद तिवारी के साथ नामांकन। वहीं भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह भी लगभग 12:30 के करीब में वो प्रतापगढ़ अधीन कोटी पहुंचकर करेंगे नामांकन। जी बिल्कुल, बता दें कि आज लगभग 6 प्रत्याशी कहीं ना कहीं रामपुर खास क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों से लेकर पहुंचकर करेंगे नामांकन। बात करें कुंडा से तो कुंडा से भाजपा प्रत्याशी सिंधुजा मिश्रा व रानीगंज से बीजेपी प्रत्याशी धीरज ओझा व बीएसपी प्रत्याशी आशुतोष त्रिपाठी, सदर से इस तरीके से लगभग 6 प्रत्याशी पहुंचकर अफीम कोटी
करेंगे नामांकन। जी जी प्रेम आराधना मिश्रा मोना के सामने बसपा और भाजपा से कौन कौन से प्रत्याशी उतारे गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि भाजपा प्रत्याशी आराधना मिश्रा मोना के सामने नागेंद्र प्रताप सिंह मौजूद है, जो अब की बार कहीं ना कहीं कड़ाई टक्कर देने के चांस पे है। लेकिन बात करें यदि रामपुर साहब विधानसभा क्षेत्र की, तो पिछले लगभग 1980 से लगातार रामपुर खास में कांग्रेस का तिलस्म बना हुआ है। अब तक किसी भी पार्टियों ने कांग्रेस का जो झंडा गड़ा हुआ उसे उखाड़ने में पूरी तरीके से नाकामयाब रही। अगर बात करें अब की बार रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र में, तो अभी तक भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र प्रताप सिंह केवल लोगों तक जाकर अपील ही करते नजर आए हैं। अगर बात करें लोगों की माने, तो फिलहाल अभी भी कांग्रेस का पलड़ा पूरी तरीके से भारी दिख रहा है। तो अब देखना यह होगा, काफी रोमांचक मुकाबला होगा रामपुर खास में, और देखना यह होगा कि अब की बार क्या भाजपा कांग्रेस में से रामपुर खास से सेम लगा पाती है या नहीं। जी प्रेम, अगर बात करें कुल विधानसभाओं की, तो किसके खाते में कितनी विधानसभाएं मौजूदा वक्त में? जी बिल्कुल, बात करें अभी तक अगर लोगों की राय माने, जनता की राय माने, तो रामपुर खास से कांग्रेस प्रत्याशी, व अगर बाबागंज की बात करें तो बाबागंज में अभी तक आरजेडी यानी जनसत्ता दल, व कुंडा में जनसत्ता दल, और सदर में अपना दल, व रानीगंज में बीजेपी, और पट्टी में सपा, इतने लोगों के खाते में सीट जाती हुई नजर आई है। ये लोगों का रुझान है मैम, ये जनता कहती है, जनता अपने द्वारा लोगों को इसमें निर्वाचित करना चाहती है। पिछले चुनाव की बात करें तो किस पार्टी के ज्यादातर विधायक चुने गए थे? पिछले चुनाव में यदि बात किया जाए तो भाजपा प्रत्याशी और अपना दल गठबंधन सीट जो थी वो प्रतापगढ़ से ज्यादा सीट पाई थी। सदर से भी अपना दल गठबंधन राजकुमार पाल से, और विश्वनाथगंज से अपना दल से विश्वनाथ अवगो से वर्मा जी, आरके वर्मा जी थे, और रानीगंज से धीरज ओझा भाजपा प्रत्याशी थे, और मोती सिंह जी पट्टी से थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा और अपना दल गठबंधन टीम प्रतापगढ़ में पिछली बार भारी थी। जी जी प्रेम, अगर बात करें प्रतापगढ़ में इस बार कौन ज्यादा टक्कर दे रहा है, भाजपा, सपा, बसपा या कांग्रेस, इनमें से किसकी टक्कर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, बता दें अभी तक तो सपा और कहीं ना कहीं सपा और पूरी तरीके से भाजपा के ही टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात करें पूरे जनपद प्रतापगढ़ में, तो कहीं ना कहीं सपा पूरी तरीके से भी मुस्तैद है, और अपने प्रचार प्रसार को लेकर नए नए प्रत्याशियों को उतार रही है, और कहीं ना कहीं सपा ने लगभग प्रत्याशियों को सहार विधानसभा से उतार भी दिया, और भाजपा ने लगातार अपने प्रत्याशियों को वहां से उतार दिया है। तो सभी अपने नामांकन प्रक्रिया व प्रचार प्रसार प्रक्रिया में पूरी तरीके से मुस्तैद है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता प्रतापगढ़ से प्रेम जुड़े थे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं।